أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students I'm your teacher Salim Yusuf and it is my third lecture for the students of BS English second semester and the subject is classical poetry in this lecture we shall study Alexander Pope's Rape of the Lock students हमारा ये तीसरा lecture है और इस lecture में मैं अलेक्जेंडर पॉप की रेप ऑफ द लॉक की स्टडीज को जारी रखूंगा मुझे याद है कि हमने पिछले दो लेक्चर्स में रेप ऑफ द लॉक का कैंटो थ्री पढ़ा था आज इंशाल्लाह ये कैंटो थ्री खत्म हो जाएगा और फोर हम स्टार्ट कर देंगे तो आइए अल्लाह के पाक नाम से आज के लेक्चर का आगाज करते हैं As on the nosegay in her breast, nosegay गुलदस्ते को फूलों के गुलदस्ते को कहते हैं तो इन लाइन्स को पढ़ने से पहले मैं पिछले लेक्चर के साथ आपका जरा इंट्रोडक्शन करवा दूँ हमने पिछले लेक्चर में जो बात पढ़ी थी जहाँ पर बात छोड़ी थी वो मैं आपको याद दिला दूँ हमने ये पढ़ा था कि लॉर्ड बैरन सीजर लेकर कैंची लेकर इसके पीछे खड़ा था और दूसरी तरफ इसकी एपिक मशीनरी इसकी बॉडीगार्ड्स, सिल्फ्स, इसकी लॉक ऑफ हेयर को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी इसी कश्मकश के दौरान जो चीफ है इसके बॉडीगार्ड्स की चीफ यानी एरियल जिसका नाम है तमाम तर सिल्फ्स की सरदार वो इसके थॉट्स, इसके ख्यालात और इसके दिलो दिमाग को पढ़ना शुरू कर देती है ये देखने के लिए कि इसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इसके ख्यालात में कौन छाया हुआ है खोया हुआ है तो ये सिचुएशन हम पढ़ रहे थे तो आज के इस लेक्चर में आइए देखते हैं कि जब एरिल ने इसके ख्यालात को पढ़ा तो उसको क्या मिला शायर लिखता है कि एज ऑन द नोज़गे इन हर ब्रेस्ट रिक्लाइन जैसे कोई तितली फूलों के गुलदस्ते पर बैठ जाती है ये उसके दिल में उतर गई ही वॉच द आइडियाज राइजिंग इन हर माइंड और उसने देखा कि उसके जहन में कुछ आइडियाज उभर रहे थे सडन ही व्यूड इन स्पाइट ऑफ ऑल हर आर्ट आर्ट मतलब होगा बनावट दिखावा और उसने क्या देखा कि इस ब्लेंडा की पाकबाजी के तमाम तर दिखावों के बावजूद An earthly lover lurking at her heart, उसके दिल में इस दुनिया के एक महबूब का तस्वुर चल रहा था यानी उसके दिल में एक लड़के का तस्वुर चल रहा था जबकि एरिल का तो ख्याल था कि ये लड़की ब्लेंडा बिल्कुल पाक साफ है वर्जिन है इसके ख्यालात भी बड़े पाक हैं लेकिन जब उसने देखा कि इसके दिल में भी एक लड़के का ख्याल तस्वुर चल रहा है ये भी किसी की मोहब्बत में मुबतला है तो वो एरिल अपनी तवानाइयां खो बैठी अमेज्ड कॉन्फ्यूज्ड जी ये लाइन है जिसमें मेरा कर्सर है अमेज्ड कॉन्फ्यूज्ड ही फाउंड हिज पावर एक्सपायर्ड रिजाइन्स टू फेट एंड विद अ साय रिटायर्ड उसने खुद को कॉन्फ्यूज पाया Amazed, confused, he found his powers expired. उसने खुद को कन्फ्यूज पाया उसकी ताकतें खत्म हो गई resigned to fate. उसने ब्लेंडा को मुकद्दर के हवाले किया एंड विद अ साय रिटायर्ड और एक आह भर कर चल दी द पीर नाउ स्प्रेड्स द ग्लिटरिंग फॉर फॉक्स सीजर्स को कहा गया है वाइड और इस नवाब ने इसके पीछे कैंची के दोनों सिरे खोल दिए फैला दिए टू इनक्लोज द लॉक इसके बालों की लट को कैंची में बंद करने के लिए नाउ जॉइंस इट अब वो कैंची को बंद करता है ऊपर वाली लाइन में हमने पढ़ा कि उसने कैंची को खोला इसमें कहा गया नाउ जॉइंस इट अब वो कैंची को मिला देता है यानी इसको बंद करता है टू डिवाइड बालों की इस लट को काट देने के लिए यहाँ डिवाइड का मतलब तकसीम करना नहीं काट डालना इवन देन बिफोर द फैटल इंजन क्लोज्ड और उस लम्हे
अभी जबकि ये कैंची बंद नहीं हुई थी, अब की बार इसको फैटल इंजन कहा गया है। तो अगर आप गौर करें तो पिछली 50 या 70 लाइनों में 50 to 70 लाइन्स पेयर ऑफ सीजर्स कैंची को तीन मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है। फैटल इंजन क्लोज्ड एट रीच सेल्फ टू फॉन्डली इंटरपोज्ड, कि जिस लम्हे इसने कैंची को बंद किया तो एक सेल्फ, ये एरी क्रिएचर हवाई मखलूक दीवानावार कैंची के दरमियान आ खड़ी हुई रुकावट बनने के लिए ताकि बालों की लट ना कर सके। फेट आर्ट्स द शियर्स, शियर्स भी सीजर्स को ही कहते हैं, बाल काटने के अमल को भी शियर्स कहते हैं। फेट आर्ट्स द शियर्स एंड कट द सेल्फ इन ट्वेन, तो फेट ने, मुकद्दर ने कैंची को हुक्म दिया और ये सेल्फ दो टुकड़े हो गए। बट एरी सब्सटेंस सून यूनाइट्स अगेन, लेकिन चूंकि वो तो हवा की मखलूक है, हवा से बनी हुई है, उसको फर्क नहीं पड़ता था, उसका वजूद फिर से जुड़ गया, आपस में मिल गया। द मीटिंग पॉइंट्स द सेक्रेड हेयर डिसीवर्स, लेकिन कैंची के मीटिंग पॉइंट्स ने, मिलते हुए दोनों सिरों ने इस बालों की लट को जुदा कर दिया ब्लेंडा के सर से। फ्रॉम द फेयर हेड फॉर एवर एंड फॉर एवर, यानी इस खूबसूरत लड़की के सर से बालों की इस लड़ को हमेशा हमेशा के लिए उसने हटा दिया। देन फ्लैश द लिविंग लाइटनिंग फ्रॉम हर आईज, और उसकी आंखों में उस लम्हे जब उसने महसूस किया, जब उसको पता चला कि उसकी बालों की लट काट दी गई है, उस लम्हे उसकी आंखों में एक अजब सी चमक थी, जैसे आसमान पर बिजली चमकती है, और ये चमक हैरानगी की थी, गुस्से की थी, ये खुशी की चमक नहीं थी। एंड स्क्रीम्स ऑफ हॉरर रेंड द अफ्राइटेंड स्काइज, और इसने जो चीख बुलंद की वो तो आसमानों तक पहुंची, यहां तक कि आसमान भी दहल गया, आसमान भी डर गया। नोट्स लाउडर शिक्स टू पिटिंग हेवंस आर कास्ट, ओके। अब इस लाइन से ऑनवर्ड्स आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रैकेट लगा रखी है, इसमें सेटायर है, आयरनी है, इसमें तंज है, किस पर, उस मुआशरे की औरतों के मिजाज पर, उस मुआशरे पे एक तंज है। मैं इसको पढ़ता हूँ, इसके बाद इसका तबसरा करूंगा। कहा गया कि नोट्स लाउडर शिक्स टू पिटिंग हेवन आर कास्ट, के इतने बुलंद चीख नहीं बुलंद की जाती, इतनी जोर से नहीं चीखता कि वो चीख आसमानों तक जाए। कब, वेन हस्बैंड्स और वेन लैप डॉग्स ब्रीथ देयर लास्ट, कि जब किसी का खामिद मर जाता है या पालतू कुत्ता मर जाता है तो कोई औरत इतनी बुलंद आवाज में चीखो पुकार ना करती होगी। तो यहाँ पर आयरनी की इंतहा है कि खामिद के मर जाने को पालतू कुत्ते के मर जाने के बराबर कहा गया, कि एक औरत के लिए उसके हस्बैंड की मौत और उसके पालतू कुत्ते की मौत में कोई फर्क नहीं है, यानी दोनों का एक ही स्टेटस है, एक ही मर्तबा मकाम है। तो ये उस दौर की औरतों पर एक तंज किया गया है। और व्हेन रिच चाइना वेसल्स फॉलन फ्रॉम हाई इन ग्लिटरिंग डस्ट, या फिर जब चाइना मट्टी से बना हुआ कोई गुलदान बुलंदी से गिरता है, एंड पेंटेड फ्रेगमेंट्स लाए, वो पेंट भी किया हुआ था, उस पर फूल बेल बूटे बने हुए थे, जब वो बुलंदी से गिरता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, तो उसकी मालकिन, उसकी मालिक औरत इतनी बुलंद नहीं चीखती होगी जितना कि ब्लेंडा ने चीख बुलंद की थी। तो इन लास्ट थ्री लाइंस में हमने देखा कि एक चाइना वॉस का टूट जाना, पालतू कुत्ते का मर जाना और एक खामिद का मर जाना, तीनों चीजें बराबर हैं। ये उस दौर की ख्वातीन की बेवफाई पर एक तंज था कि वो किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकती थी, किसी पर भी तवज्जो दे सकती थी, उनकी नजर में उनका पालतू कुत्ता और उनका हस्बैंड बराबर थे।
लेट रीच ऑफ ट्राइम्फ नाउ माई टेम्पल्स ट्वेन। ओके, अब ये जो पैराग्राफ है मुकम्मल, ये इस लॉर्ड से मुतल्लिक है जिसने बालों की वो लट काट ली है, और अब चूंकि बालों की लट उसके हाथ में आ चुकी है तो ये शख्स अपनी खुशी का इजहार करता है। किस तरह से खुशी का इजहार करता है इसको बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। क्योंकि इस पैराग्राफ में लफ्जों का उलट फेर बहुत है, राइटर लफ्जों से इस तरह खेलता है कि पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाता है। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं, राइटर शायद लिखता है कि लेट रीच ऑफ ट्रायंफ नाउ माय टेंपल ट्वेन। रीच ऑफ ट्रायंफ यानी फतह के फूलों के हार मेरे माथे पे सजाओ। द विक्टर क्राइड, इस फातेह ने चिल्ला कर कहा, द ग्लोरियस प्राइज इज माइन, क्योंकि ये शानदार तोहफा अब मेरी मलकियत है, अब ये मेरा है। वाइल्ड फिश इन स्ट्रीम्स और बर्ड्स डिलाइट इन एयर, तो अब जब तक के मछलियां तालाबों में तैरती होंगी या फिर जब तक के परिंदे हवाओं में उड़ेंगे, और इन अ कोच एंड सिक्स द ब्रिटिश फेयर, और जब तक बर्तानिया की खूबसूरत लड़कियां बग्घी में सफर किया करेंगी, वो बग्घी जिसको छह घोड़े खींचते हैं यानी शाही खानदान के इस्तेमाल वाली बग्घी। एज लॉन्ग एज एटलांटिक्स शैल बी रेड, और जब तक ये किताब एटलांटिक्स पढ़ी जाती रहेगी, जौक और शौक से पढ़ी जाती रहेगी, और द स्मॉल पिलो ग्रेस अ लेडीज बेड, या फिर जब तक छोटा तकिया खवातीन के बिस्तर की जीनत बना करेगा। वाइल विजिट्स शैल बी पेड ऑन सॉलमन डेज, जबकि उसके दोस्त उससे मिलने आया करेंगे कुछ खास दिनों में। सॉलमन डे के दो मायने हैं। सॉलमन डेज का एक मतलब है डेज ऑफ सम फेस्टिवल, किसी त्यौहार वाला जमाना जब कोई त्यौहार चल रहा है और कोई खातून अपने बिस्तर पर लेट जाती है ये जाहिर करने के लिए, शो करने के लिए कि वो तो बहुत बीमार है, और फिर अपने दोस्तों तक पैगाम पहुंचाती है ताकि वो उससे मिलने के लिए आए, और ये अटेंशन अट्रैक्शन हासिल करने का, तवज्जो हासिल करने का एक जरिया हुआ करता था। व्हेन न्यूमरस वैक्स लाइट्स इन ब्राइट ऑर्डर ब्लेज, या फिर जब तक वैक्स लाइट्स मोमबत्ती कैंडल को कहा गया, जब तक बहुत सी मोमबत्तियां जलाई जाती रहेंगी किसी त्यौहार के मौका पर। व्हाइल निम्स टेक ट्रीट्स, जब तक ये खवातीन को दावतें दी जाती रहेंगी, और असिग्नेशंस गिव, या फिर जब तक कि वो खुफिया मुलाकात के लिए तारीख डेट और टाइम सेट करती रहेंगी। सो लॉन्ग माई ऑनर नेम एंड प्रेज शैल लिव, तब तक मेरी इज्जत मेरा नाम बना रहेगा, यानी तब तक दुनिया वाले मुझे याद रखेंगे। तो अब इस पूरे स्टेंजा में मिजाह और तंज का आंसर है। मिजाह ये है कि इस शख्स ने अपनी फतह का जश्न मनाया और अपने इस कारनामे को अमर करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो मिसालें दी, वो बड़ी बेवकूफ़ी भरी थी कि मेरा नाम तब तक कायम रहेगा जब तक कि फलां काम होता रहेगा, फलां काम होता रहेगा। इसमें इस शख्स की बेवकूफ़ी छलकती है। दूसरी तरफ एक बार फिर से उस मुआशरे का जो भी रख रखाव था, जो उनके दिखावे वाले अंदाज थे, वो हमारे सामने आते हैं। जब तक परिंदे हवाओं में उड़ते रहेंगे, जब तक मछलियां पानी में तैरती रहेंगी, ये तो संजीदा बात है, बात समझ में आती है। उसके बाद जब कहा गया कि इन अ कोच एंड सिक्स द ब्रिटिश फेयर, के जब तक बर्तानिया की खूबसूरत खवातीन, अमीर घरानों की खवातीन छह घोड़ों वाली बग्घी में सफर करती रहेंगी, और जब तक एटलांटिक बुक जो कि रोमांस से मुतलिक किताब थी, कोई अच्छे सब्जेक्ट वाली किताब नहीं है ये, जब तक कि किताब पढ़ी जाती रहेगी, जब तक के खवातीन अपने लवर्स को बहाने से, एक्सक्यूज से अपनी बीमारी का बहाना करके बुलाती रहेंगी, और जब तक खवातीन को ट्रीट मिलती रहेगी, जब तक कि वो सीक्रेट मीटिंग्स के लिए डेट एंड टाइम सेट करती रहेंगी, तब तक मेरा नाम कायम रहेगा। तो डेट एंड टाइम का सेट करना, अपनी बीमारी का झूठा बहाना करके अपने लवर्स को बुलाना, ये सारी उस जमाने की खवातीन की हरकतों पर, आदात पर एक तंज है। राइटर बताता है हमें, शायर बताता है कि हमें कि उस दौर में क्या कुछ हो रहा था, क्या गंदगी, क्या करप्शन थी मुआशरे में। ओके, अब ये शख्स अपनी
इसी बेवकूफी को जारी रखते हुए कहते हैं कि व्हाट टाइम वुड स्पेयर फ्रॉम स्टील रिसीव इट्स डेट, कि वो चीज जिसको वक्त नहीं हराता, वो चीज जो वक्त पर फतह पा लेती है उसे तलवार हरा देती है। यहाँ पर स्टील मतलब है सॉर्ड, तलवार। तो हम जानते हैं कि इस कायनात में, इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जिसको फना ना हो, मौत ना हो, क्योंकि रब ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, के हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो राइटर ने कहा कि वो मखलूक, वो चीज जो कि अपने मुकर्रर वक्त पर भी नहीं मरती, जो वक्त को भी मात दे देती है, तो फिर ऐसी मखलूक को, ऐसी वजूद को तलवार फता शिकस्त देती है, तलवार उसको मार डालती है। एंड मॉन्यूमेंट्स लाइक मैन सबसाइड टू फेड, और मॉन्यूमेंट्स यानी यादगार निशानियां, बड़े बड़े महल्लात पुराने जमाने के, वो फेड मुकद्दर के आगे हिम्मत हार जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे इंसान अपने मुकद्दर के आगे हार जाता है। स्टील कुड द लेबर ऑफ द गॉड्स डिस्ट्रॉय, फिर ये बैरन, ये लॉर्ड कहता है कि ये तलवार तो देवताओं के कामों को भी तबाह कर देती है, यानी वो चीज जिसको देवताओं ने बनाया था उसको भी तबाह कर देती है, तलवार में इतनी ताकत है। एंड स्ट्राइक टू डस्ट द इंपीरियल टावर्स ऑफ ट्रॉय, और यहाँ तक कि तलवार के जोर से तो शहर ट्रॉय या मुल्क ट्रॉय के आलिशान मीनार भी गिरा दिए गए। ये माइथोलॉजिकल रेफरेंस है जी, एक ट्रॉय एक शहर है, ट्रॉय एक शहर था ग्रीक माइथोलॉजी में जिसे देवताओं ने बनाया था, और ग्रीक्स ने, अहले यूनान ने इसको तबाह बर्बाद कर दिया था। आपने शायद एक फिल्म का, एक मूवी का नाम सुना होगा, हेलन ऑफ ट्रॉय, जो कि टीवी पर कई मरतबा लगी है, HBO चैनल पर, जो कि इंग्लिश मूवीज का चैनल, उस पर कई मरतबा ये फिल्म नशर हुई है। तो ये उसी शहर ट्रॉय का जिक्र हो रहा है जहां पर एक शहजादा हेलन को भगा लाया था। तो राइटर कहते हैं कि ट्रॉय जैसा आलीशान शहर जिसे देवताओं ने बसाया था उसे भी तलवार ने तबाह कर दिया, उसको भी तलवार के जोर पर तबाह हो बर्बाद कर दिया गया। स्टील कुड द वर्क्स ऑफ मॉर्टल प्राइड कॉन्फाउंड, और इस तलवार से तो इंसानों का मॉर्टल प्राइड, मॉर्टल जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था, लफ्ज मॉर्टल का लफ्जी मतलब होता है फानी, फना हो जाने वाला, मर जाने वाला, और ये लफ्ज मॉर्टल इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। तो कहा गया कि मॉर्टल प्राइड इंसान के फखर को भी तलवार खत्म कर देती है। एंड ह्यू ट्राइफनल आर्चिस टू द ग्राउंड, और मेहराबों को भी जमीन बोस कर देती है। इससे पहले लफ्ज गुम्बद या मीनार का जिक्र हुआ था, यानी गुम्बद, मीनार, मेहराबें, ये आलिशान इमारतों की निशानियां हुआ करती है। तो शायर ने कहा इस सब कुछ को तलवार तबाह कर देती है। व्हाट वंडर देन फेयर निफ, अभी कहते हैं कि अरे खूबसूरत लड़की क्यों तू हैरान होती है, द हेयर शुड फील द कॉन्करिंग फोर्स ऑफ अनरेजिस्टेड स्टील, अगर तुम्हारे बालों को कॉन्करिंग फोर्स ऑफ स्टील, तलवार की फतह पा लेने वाली कुव्वत का सामना करना पड़ा, और वो कुव्वत कैसी है, अनरेजिस्टेड, के जिसका कोई सामना नहीं कर सकता, कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसी तलवार की फोर्स को अगर महसूस किया तुम्हारे बालों ने, तुम्हारी बालों की लट ने इसका सामना किया, तो क्यों हैरान होती हो। तो जनाब इन लाइन्स का मुख्तसर मैं खुलासा बयान कर दूँ, यहाँ व्हाट टाइम वुड स्पेयर से लेकर लास्ट तक शायर ने, बल्कि इस लॉर्ड ने कहा कि वो चीज़ जो कि वक़्त को शिकस्त दे दे, तलवार उसको शिकस्त देती है, बड़े बड़े महल्लात इंसानों के गरूर तकबर सब खाक में मिल जाता है तलवार के सामने, यहाँ तक कि ट्रॉय जैसा आलिशान शहर जिसको देवताओं ने बसाया था उसको भी तलवार के जोर पर तबाह बर्बाद किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये कैंटो 3 आज हमने खत्म किया, कैंटो 3 के खत्म करने के साथ ही कैंटो 4 हम शुरू करेंगे, क्योंकि अभी आपके लेक्चर का टाइम जारी है और हम भी अपना काम जारी रखेंगे। कैंटो 4 में इसी कहानी को, इसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। शायर लिखते हैं कि बट एंशियस केयर्स द पेंसिव निफ ऑप्रेस्ड, एंशियस केयर मतलब होगा टेंशन, परेशानी। अब इस
हाँ, लफ्ज पेंसिव का मतलब होता है सैड, अफसुरदा। एंशियस केयर्स मतलब होगा टेंशन, परेशानी। या पेंसिव सैड अफसुरदा, पेंसिव निम्फ ब्लेंडा के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ। शायर ने कहा कि अब ये लड़की ब्लेंडा अफसुरदा थी, परेशान थी, एंड सीक्रेट पैशंस लेबर्ड इन हर ब्रेस्ट। और उसके सीने में जज्बात उभर रहे थे, गमो गुस्से वाले जज्बात खामोशी से उभर रहे थे, खोल रहे थे। वो परेशान थी, बौखलाई हुई थी। अब उसकी बौखलाहट उसकी परेशानी को, कुछ लोगों की परेशानी से बौखलाहट से कंपेयर किया गया है, और इसमें एग्जेजरेशन है, यानी बात को बिला वजह बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया है। शायर लिखता है कि नॉट यूथफुल किंग्स इन बैटल सीज्ड अलाइव, कि जब कोई बादशाह, नौजवान बादशाह मैदान जंग में जिंदा ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो वो भी इतना परेशान नहीं होता होगा जितनी परेशान थी ये ब्लैंडा। नो स्कॉर्नफुल वर्जिन्स हु देयर चार्म्स सर्वाइव, और ना ही वो खवातीन, स्कॉर्नफुल मतलब होगा तकबुर भरी, वो लड़कियां जिनमें बड़ा तकबुर हुआ करता था उनके हुस्न की बिना पर, वो भी इतनी परेशान नहीं होती जब उन्हें अपना हुस्न ढल जाने के बाद भी जिंदा रहना पड़ता है इस हालत में कि उनकी जवानी गुजर गई, उनका हुस्न मांद पड़ गया, लेकिन कोई शहजादा उनकी जिंदगी में ना आया, या उन्होंने तमाम तर मैरिज प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया, कोई लड़का उनको पसंद ही ना आता था, यहाँ तक कि उम्र गुजर गई, जवानी ढल गई, हुस्न मांद पड़ गया। तो ऐसी खवातीन, ऐसी लड़कियां भी इतना परेशान नहीं होती होंगी जितना के ब्लैंडा परेशान थी। नॉट आर्डेंट लवर्स रॉब्ड ऑफ ऑल देयर ब्लिस, और ना ही वो पुरजोश महबूब इतना परेशान होते हैं जब उनकी महबूबा उनसे छीन ली जाती है। रॉब्ड ऑफ ऑल देयर ब्लिस यानी उनकी सारी रहमतें उनसे छिन जाती हैं, मतलब एक पुरजोश बड़ा एक्टिव लवर भी इतना परेशान नहीं होता होगा जब उससे उसकी महबूबा छीन ली जाती है। नॉट एंशियंट लेडीज व्हेन रिफ्यूज्ड अ किस, एंशियंट लेडीज यानी ओल्ड वुमेन, बूढ़ी खातून, जब उसको किस करने से इनकार कर दिया जाता है वो भी इतना परेशान नहीं होती होगी। नॉट टेरेंस फेरिस दैट अनरिपेंटिंग डाई, ना ही वो जालिम बादशाह जो के रिपेंट यानी पछतावा किए बगैर, तोबा अस्तगफार किए बगैर ही मर जाते हैं, वो भी बवक्ते मर्ग इतना परेशान नहीं होते होंगे जितना कि ब्लैंडा परेशान हुई थी। नॉट सिंथिया वेन हर मेंटियस स्पिंड अवे, सिंथिया एक फर्जी नाम है किसी भी खातून का, अलेक्जेंडर पॉप के जमाने की कोई खातून। कहते हैं कि नॉट सिंथिया वेन हर मेंटियस स्पिंड अरे, कि सिंथिया का लिबास जब गलत अंदाज में सिया जाता है, उसके लिबास की सिलाई गलत कर दी जाती है, सिंथिया इतनी परेशान नहीं होती होगी। इस चीज को आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, ये आप लोगों की बड़ी क्लोज ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि किसी शादी ब्याह के मौका पर, त्यौहार पर या ईद के मौका पर जब किसी खातून का लिबास उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं सिलता, दर्जी उसके लिबास कि फिटिंग खराब कर देता है, तो वो जिस तरह से परेशान होती है, गुस्सा करती है, रोती है। राइटर ने कहा कि वो खातून भी क्या परेशान होती होगी, क्या गुस्सा करती होगी जितना परेशान हुई थी ब्लेंडा बालों की इस लट के कट जाने के बाद। इवन फेल्ट सच रेज रिसेंटमेंट एंड डिस्पेयर एज दाउ। अब ये बैरन कहते हैं कि इन सब में से किसी एक ने भी इतना गुस्सा, खफगी महसूस नहीं की होगी जितना के ये ब्लैडा करती है। फॉर दाय रेविस्ट हेयर, इस कट चुकी बालों की लट के लिए जितना गुस्सा, परेशानी, खफगी ब्लैडा महसूस करती है, ऊपर जिक्र किए गए कैरेक्टर्स में से कभी किसी ने इतना गुस्सा महसूस नहीं किया होगा, इतने गुस्से का तजुर्बा नहीं किया होगा। तो इस स्टेंजा में, इन चंद लाइंस में,
राइटर ने ब्लेंडा के गुस्से के अरूज को, उसकी परेशानी, उसकी टेंशन के अरूज को हमारे सामने पेश करना चाहा है। नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ना शुरू करते हैं जी। फॉर दैट सैड मोमेंट व्हेन द सिल्फ्स विथड्रू, कि वो लम्हा जब सिल्फ्स पीछे हट गई थी, एंड एरियल वीपिंग फ्रॉम ब्लेंडा फ्लू, और जब उनकी सरदार एरियल भी रोते पीटते हुए ब्लेंडा की निगरानी से पीछे हट गई थी। एम्ब्रिल अ डस्की मेलंकोली स्पिरिट एज एवर सलीड द फेयर फेस ऑफ लाइट, तो एम्ब्रिल जो कि स्याह रंग की एक स्पिरिट है, यानी एक स्याह रूह या बदरूह है, वो ब्लेंडा पर गालिब आ जाती है, वो ब्लेंडा को अपने कब्जे में ले लेती है। अभी फिलहाल इसकी फिजिकल कंडीशन को बयान किया जा रहा है इस एम्ब्रिल की, कहा गया कि एम्ब्रिल अ डस्की मेलंकोली स्पिरिट, डस्की मतलब डार्क स्याह रंग की, मेलंकोली सैड अफसुरदा रूह एज एवर सलीड द फेयर फेस ऑफ लाइट, जो कि इतनी स्याह है कि रोशन दिन के चेहरे को भी दागदार कर दे, डाउन टू द सेंट्रल अर्थ, वो जमीन के सेंटर की तरफ जाती है, हिज प्रॉपर सीन, जो कि उसका सही घर है। तो सेंटर ऑफ द अर्थ का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि माइथोलॉजी के मुताबिक, रोमन एंड ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक, जमीन का सेंटर, जमीन का मरकज हेड्स है, हेड्स मतलब जहन्नुम, और जितने भी गुनाहगार लोग हैं, जहन्नुमी हैं, उन्हें जमीन के दरमियान की तरफ धंसा दिया जाता है, वहां जहन्नुम है। रिपेयर्ड टू सर्च द ग्लूमी केव ऑफ स्प्लीन, रिपेयर्ड टू सर्च द ग्लूमी केव ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन लफ्ज़ी मतलब होता है गुस्सा, जैसे कि साथ में लिख रखा है, यहाँ पर स्प्लीन भी एक हवाई मखलूक का नाम है, एक स्पिरिट का नाम है। तो कहा गया कि अब मैं इन 6-8 लाइंस का खुलासा कर रहा हूँ, फॉर दैट सैड मोमेंट्स लेकर केव ऑफ स्प्लीन तक, तो शायर बात को जरा पीछे ले जाता है कि वो लम्हा जब एरिल ने इसके ख्यालात को पढ़ लिया था, एरिल इसकी निगरानी से पीछे हट गई थी, दस्तबरदार हो गई थी, और एरिल के पीछे उसकी मातहत सिल्फ्स भी पीछे हट गई थी, जब ब्लेंडा को उन्होंने बेसहारा छोड़ दिया, तो उस लम्हे एक स्याह रूह जिसका नाम एम्ब्रिल बताया गया है, इतनी स्याह के रोशन दिन को भी दागदार कर दे, वो जमीन के सेंटर की तरफ जाती है, वहां वो स्प्लीन का गार तलाश करती है, स्प्लीन जो कि गुस्सा की अलामत है, एक स्पिरिट, एक रूह है, गुस्सा उसका नाम है, और वो जिस शख्स को अपने कब्जे में काबू में करती है, वो उसको गुस्सा दिलाती है, उसको झगड़े पे आमादा करती है, वो उसके केव की तरफ बढ़ती है, उसके केव, उसके गार की तलाश में जाती है। स्विफ्ट ऑन हिज सूटी पिनियंस, स्विफ्ट तेजी से, ऑन हिज सूटी पिनियंस, सूटी मतलब ऑफ ब्लैक कलर, स्याह रंग के फड़फड़ाते हुए बड़ी तेजी से, फ्लिट्स द ग्नोम, ये गनूम प्रवास करती है, एंड इन अ वेपर रीच द डिसमल डोम, और एक वेपर, एक धुएं की मानित उस डोम में पहुंच जाती है, जो कि स्प्लीन का गार है। डिसमल लफ्ज़ मतलब होता है सैड अफसुरदा। तो जनाब यहाँ पर गनूम का जिक्र हुआ है, हमने इब्तदा में शुरू में पढ़ा था कि ये जो एरी क्रिएचर्स हैं, इनके 4 मुख्तलिफ तबकात होते हैं, उनमें से एक तबका ग्नूम्स का है, जो कि नेगेटिव कैरेक्टर रखती हैं, ये हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। ओके, अपनी बात को जारी रखते हैं। नो चीयरफुल ब्रीज दिस सलन रिन नोज, अब ये स्प्लीन के गार का मंजर बयान हो रहा है, जो कि जमीन की गहराइयों में कहीं है, तो राइटर कहते हैं कि नो चीयरफुल ब्रीज दिस सलन रिजन नोज, के जमीन की ठंडी हवा, सुबह की ठंडी हवा इन इलाकों का रास्ता नहीं जाती, यहाँ कहीं कभी भी ताजा हवा, ठंडी हवा का झोंका नहीं आया। द ड्रेडेड ईस्ट इज ऑल द विंड दैट ब्लोस, इधर तो मशरिक की तरफ से चलने वाली तूफानी हवाएं, यख बस्ता ठंडी हवाएं ही आती हैं, जो कि बहुत ठंडी होती हैं, तूफानी हवाएं हैं। हियर इन अ ग्रोटो, ग्रोटो मीन्स केव, शेल्टर्ड क्लोज
फ्रॉम एयर, तो वहां एक गार में ताजा हवा से परे होकर बच के एंड स्क्रीन इन शेड्स फ्रॉम डेज डिटेस्टेड ग्लेयर, और सूरज की रोशनी से परे होकर बचकर बैठी हुई थी कौन स्प्लीन। यहां पर दो चीजों का जिक्र हुआ, शेल्टर्ड क्लोज फ्रॉम एयर, कि एक तो इस स्प्लीन ने, स्प्लीन जिसका नाम है गुस्सा, गुस्से की देवी हम तस्वीर कर लेते हैं, ये जमीन की गहराइयों में एक गार में इस तरह से बैठती है कि शेल्टर्ड क्लोज फ्रॉम एयर, कि इस तक ताजा हवा का झोंका ना आए, एंड स्क्रीन इन शेड्स, और खुद को सायों में रख कर बैठती है, स्क्रीन के पीछे बैठती है, फ्रॉम डेज डिटेस्टेड ग्लेयर, ताकि दिन के वक्त चमकने वाले सूरज की रोशनी इस तक ना पहुंचे, क्योंकि वो सूरज की रोशनी से नफरत करती है। डिटेस्टेड मतलब होता है वो चीज जिससे नफरत की जाए। शी साइज फॉर एवर ऑन हर पेंसिव बेड, और ये जो स्प्लीन है ये हमेशा अपने बिस्तर पर लेटी आहें भरती है। पेन एट हर साइड एंड मैग्रिन एट हर हेड, वो हमेशा ये शिकायत करती हुई पाई जाती है कि उसके वजूद में दर्द है। मैग्रिम हेडेक, सर दर्द को कहते हैं, उसके सर में भी दर्द है, उसके वजूद के फलां हिस्से में भी दर्द है, फलां हिस्से में भी दर्द है। तो जनाब इस इन लाइंस में, स्टैंजा में शायर ने स्प्लीन के गार का मंजर बयान किया है। स्प्लीन का गार जो कि जमीन की गहराइयों में है, वहां पर ताजा हवा का झोंका नहीं पहुंचता, वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, और ऐसे गार में ये स्प्लीन सूरज की रोशनी पहुंचने वाली जगह से परे होकर बैठती है, ठंडी हवा का झोंका पहुंचने वाली जगह से बचकर कहीं दूर होकर बैठती है, और ये इस तरह बैठती है या बिस्तर पर यूं लेटती है कि इसके होंठों पर हमेशा शिकायत होती है कि मेरे जिस्म में, मेरे वजूद में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। तो जी नेक्स्ट पेज पे आते हैं। उम्मीद है कि आप सुनते सुनते थक नहीं गए होंगे, लेकिन मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि जी आपका लेक्चर 36 मिनट्स का होना चाहिए, और कंजेक्टिव 36 मिनट्स मैंने आपको लेक्चर डिलीवर करना है, और ये आपके फायदे में भी है क्योंकि दिन थोड़े रह गए और हमें इसके 5-6 जितने भी कैंटोज हैं उनको पढ़ के रैप ऑफ द लॉग को कम्प्लीट करना है, ताकि हमें पेपर में आसानी रहे। जितना आप इसको पढ़ते हैं, टू हैंडमेड्स वेयर द थ्रोन, इस स्प्लीन के तख्त के दोनों तरफ दो खादिमाएं खड़ी थी, अलाइक इन प्लेस बट डिफरिंग फॉर इन फिगर एंड इन फेस, कागे उनका चेहरा, उनका मकाम मर्तबा तो एक जैसा था, लेकिन अपने वजूद में, अपने चेहरे की बनावट रंगत में एक दूसरे से बड़ी मुख्तलिफ थी। हेयर स्टूड इल नेचर लाइक एन एंशियंट मेड, एक खादिमा का नाम था इल नेचर, बुरी फितरत, और वो यूं दिखती थी जैसे कोई बूढ़ी खातून होती है। हर रिंकल्ड फॉर्म इन ब्लैक एंड वाइट एरेड, और उसने स्याह और सफेद रंग का लिबास पहन रखा था, उसके चेहरे पर झुर्रियां थी। विच स्टोर ऑफ प्रेयर्स फॉर मॉर्निंग नाइट एंड मून्स, उसके पास सुबह दोपहर और शाम को पढ़ी जाने वाली दुआओं का एक खजाना था। हर हैंड इज फिल्ड हर बोजम विद लैम्पॉन्स, लेकिन उसके हाथों में दुआएं हैं, लेकिन उसके सीने में डेंजरस आइडियाज, खतरनाक किस्म के ख्यालात भरे हुए हैं। मुख्तसर और आसान लफ्जों में ये, बल्कि मैं इन 6 लाइंस का खुलासा आपके सामने बयान कर देता हूँ। ये 6 लाइंस टू हैंडमेड्स से लेकर विद लैम्पॉन्स तक, राइटर ने कहा कि जब ये ब्लैक स्पिरिट्स स्प्लीन के गार में पहुंचती है, तो उसने देखा कि स्प्लीन अपने बिस्तर पर लेटी हुई है, उसके दोनों तरफ दो खादिमाएं हैं, एक का नाम बताया गया इल नेचर्ड, और वो ऐसी है कि एक बूढ़ी खातून जैसी दिखती है, सफेद और स्याह लिबास उसने पहन रखा है, उसके होंठों पर तो दुआएं हैं, सुबह दोपहर और शाम के वक्त में पढ़ी जाने वाली दुआओं का जखीरा उसके हाथ में है, शायद के दुआओं की कोई किताब है। हर बोजम विद लैम्पॉन्स, लेकिन उसके सीने में खतरनाक ख्यालात हैं, इंसानों को नुकसान पहुंचाने, इंसानों की जिल्लत करने वाले ख्यालात मौजूद हैं। देयर अफेक्शन अफेक्टेशन विद अ सिकली माइंड,
और दूसरी तरफ इसके स्प्लीन के बेड की दूसरी तरफ कौन खड़ी थी, उसका नाम है जी अफेक्टेशन दिखावा, और दूसरी तरफ दिखावा की रूह खड़ी थी विद अ सिकली माइंड, और उसका अंदाज मेन मतलब द स्टाइल उसका अंदाज ऐसे था गोया कि वो बड़ी बीमार है। शोज इन हर चीक द रोज ऑफ 18, और उसके रुखसारों को देखकर तो ऐसे दिखता था जैसे वो 18 साल की लड़की हो, उसके रुखसारों में सुर्खी थी जबकि उसका खड़े होने का अंदाज बीमारों जैसा था। प्रैक्टिस लिस्प एड हैंग द हेड असाइड, जब वो बोलती है तो लुकनत के साथ बोलती है, हकला कर बोलती है या तोतला बोलती है, और वो हकीकत में लुकनत नहीं उसकी जुबान में, वो तो सिर्फ इसकी झूठी प्रैक्टिस करती है सुनने वालों की तवज्जो हासिल करने के लिए, ये जाहिर करने के लिए कि वो तो अभी छोटी उम्र की बच्ची है। एंड हैंग द हेड असाइड, और कभी वो अपना सर एक तरफ झुका लेती है ये दिखाने के लिए, ये दिखावा करने के लिए कि वो तो बहुत बीमार है, फेंट्स इनटू एयर्स, और कभी वो बेहोश हो जाती है एंड लैंग्विशेस विद प्राइड, और कभी वो यूं जाहिर करती है कि वो तो बहुत सुस्त कमजोर पड़ गई है। उसके इन तमाम तर अंदाजों में स्टाइल्स में प्राइड तकब्बुर है, फख्र है। ऑन द रिच क्विल्ट सिंक्स विथ बिकमिंग वो, और कहा गया अब जमीन पर रहने वाली औरतों का जिक्र करता है। पहले उसने एक ब्लैक सिल्फ का जिक्र किया था जो कि स्याह मखलूक स्याह रूह है, तो उसने कहा कि ऑन द रिच क्विल्ट सिंक विद द बिकमिंग वो, नहीं ऊपर वाली थी, फेंट इन टू एयर एंड लैंग्विश विद प्राइड, कह रहे कि तुम्हें चाहिए कि तुम फिजा में गायब हो जा। On the rich quilt sink with the becoming woo. वो स्प्लीन यूं लेटी हुई थी कि बिल्कुल इस तरह से अमीर ख्वातीन अपने बिस्तर पर लेट जाती हैं आने वाली बीमारी का बहाना करके। रैप्ड इन अ गाउन, उन्होंने एक गाउन ओढ़ रखा होता है फॉर सिकनेस बीमारी की बिना पर, एंड फॉर शो और दिखावे के लिए। तो अब यहाँ पर शायर स्प्लीन के बिस्तर पर लेटने का मंजर औरतों से कंपेयर करता है दुनियावी औरतों से, वो कहता है कि वो इस तरह से लेटी हुई थी जैसे कि ख्वातीन जब उनका एक नया नाइट ड्रेस बनकर आता है, गाउन बनकर आता है, तो वो लेट जाती हैं अपने बेडरूम में ये जाहिर करने के लिए वो तो बीमार पड़ गई, और इस तरह से वो अपने लवर्स को अपने महबूब को घर पर दावत देती हैं उनसे मुलाकात के लिए। अच्छा जी, रैप इन अ गाउन फॉर सिकनेस एंड फॉर शो, ऊपर वाली लाइन पढ़ता हूँ, ऑन द रिच क्विल्ट सिंक्स विद बिकमिंग वू, रैप इन अ गाउन फॉर सिकनेस एंड फॉर शो, यानी उन्होंने जर्क बर्क रंगीन सा लिबास पहन रखा होता है अपने नुमाइश और दिखावे के लिए। द फेयर वंस फील सच मेलेडीज एज दीज, और ख्वातीन इस तरह की बीमारियों को महसूस करती हैं अपने जात में, मेलेडीज मतलब होता है बीमारियाँ, और फेयर वंस ख्वातीन औरतों के लिए इस्तेमाल हुआ है। When each new night dress gives a new disease, कि जब night dress, जब एक नया night dress बन कर आता है, सिल कर आता है, तो ये ख्वातीन अपने इस नए ड्रेस की नुमाइश करने के लिए दोस्तों को बताने के लिए कि उसके पास एक न्यू स्लीपिंग ड्रेस आ गया है, वो इस तरह की हरकतें किया करती थी। तो जनाब इस पैराग्राफ का खुलासा मैं बता देता हूँ। पहले तो इसमें अफेक्टेशन का जिक्र हुआ, एक गॉडेस का नाम है, नेगेटिव कैरेक्टर वाली गॉडेस का नाम है, बल्कि नहीं सॉरी, गॉडेस की बॉडीगार्ड का नाम है जो जो कि उसके बिस्तर के साथ खड़ी है, उसकी मुलाजमा है। कहा गया कि वो अफेक्शन है, दिखावा बनावट उसका नाम है। वो कभी लुकनत के साथ बोलती है, कभी अपना सर एक तरफ झुकाती है, कभी बेहोश होने की एक्टिंग करती है, गोया कि वो बहुत बीमार है, और इस तरह से वो तवज्जो अपनी दिलक दिलाना चाहती है। बिल्कुल इसी तरह से दुनिया में रहने वाली ख्वातीन जब उनका कोई नया गाउन कोई नया लिबास सिलकर आता है तो वो ये लिबास पहनकर अपने बेडरूम में बिस्तर पर लेट जाती हैं, इस तरह से वो अपने दोस्तों को दोस्त अहबाब को बुलाती हैं अपने पास। लो जनाब आज के लिए इजाजत दीजिए, आज का लेक्चर यहाँ पर स्टॉप करते हैं, कल इंशाल्लाह यहीं से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।